कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में जानेंगे कि किन राशि के जातकों के को इस सप्ताह जो है मिलेंगे मन चाहे फल। हमारे इस साप्ताहिक राशिफल की जो भविष्यवाणी होती है वो वैदिक ज्योतिष पर आधारित होती है। आपका जीवन अच्छी तरह से चलता रहे और आप हर परेशानी से दूर रहे, यह आशा रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने ये साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर होते हैं। इस सप्ताह ग्रह नक्षत्रों की चाल आप पर कैसा प्रभाव डालेगी, आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आपका आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपके ऐसे सारे सवालों का जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही मिलेगा एक ज्योतिषीय उपाय जो आपकी सभी जो परेशानियां हैं उनको दूर करेगा। इस हफ्ते कौन कौन से गोचर होने वाले हैं, किन किन ग्रहों का, मतलब कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते का लेखा जोखा आपको इस छोटी सी वीडियो में जानने को मिल जाएगा अपनी राशि के राशिफल के अलावा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदू पंचांग के साथ। सबसे पहले हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह की जो शुरुआत है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शतभिषा नक्षत्र में होगी। वहीं सप्ताह का अंत जो होगा फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को कृतिका नक्षत्र में होगा। 24 फरवरी से 1 मार्च की सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण व्रत त्योहार जो है वैसे नहीं आएंगे। अब बात करते हैं ग्रहों का गोचर। चंद्रमा तो गोचर करते ही है, जिसको हम आधार मानकर यह राशिफल तैयार करते हैं। साथ इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाते हैं उन ग्रहों के गोचर का प्रभाव का जो इस हफ्ते होने वाले हैं। तो सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित होंगे और इसके बाद मीन, मेष और वृषभ राशियों में गोचर करेंगे। सप्ताह का अंत वृषभ राशि में चंद्र के गोचर से होगा। चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह 29 फरवरी को शनिवार को शुक्र का मेष राशि में गोचर होगा, इसीलिए इन ग्रहों के गोचर का सम्मिलित प्रभाव राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। वीडियो की शुरुआत करें, राशिफल बताना शुरू करें उससे पहले एक और छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि यह जो भविष्य फल हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या करें, आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप एस्ट्रोसेज कुंडली को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों जगह पर आप मुफ्त में अपनी कुंडली बना सकते हैं। 50 से 56 पेज की कुंडली आपकी बन जाएगी, जिसको आप जो है डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास भविष्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए, और वहां पर आपको आपकी चंद्र राशि भी पता चल जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको हमारे ऐप पर या फिर हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे राशिफल की। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आने वाला 7 दिन। राशि चक्र की चौथी राशि होती है कर्क, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कैंसर, तो कैंसेरियंस की बात कर रहे हैं। कर्क राशि के लोगों को सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है और मानसिक तनाव भी आप पर हावी रहेगा। इसके अलावा आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी कमजोर होने से चिंता बढ़ेगी। इसके बाद जब चंद्रदेव आपके नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तो स्थितियां काफी अनुकूल होने लगेंगी। धर्म कर्म के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, आपका मन भी लगेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिताजी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लंबी यात्राएं आनंददायक रहेंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आप कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे और काम में अपना बेहतर समय व्यतीत करेंगे। पारिवारिक जीवन भी बेहतर रहेगा और माताजी से विशेष स्नेह होगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तब आपको कोई उपलब्धि मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सराहना भी मिलेगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसी सप्ताह के उत्तरार्ध में शुक्रदेव का गोचर आपके दशम भाव में होने से कार्य क्षेत्र में गॉसिप से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इसका असर आपके काम पर पड़ेगा, लेकिन वैसे आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा। केवल इतना ही नहीं, परिवार में भी आपकी तारीफ होगी और आपकी लुकिंग पर अर्थात आपकी अपने कपड़े आदि पर विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। प्रेम के मामलों में आपके लिए सप्ताह बेहतर रहेगा, लेकिन यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो लव लाइफ में बेहतर समय बिता पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। आपका साथी भी थोड़ा व्यस्त रहेगा और उनका स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है, इसीलिए इस समय एक दूसरे को पर्याप्त समय दें और कोई समस्या चली आ रही है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। यदि आप मैरिड हैं तो दाम्पत्य जीवन बेहतरीन समय से गुजरेगा और जीवन साथी वास्तव में दिल से आपकी कद्र करेगा और आपको खुश करने के लिए अपनी पसंद का खाना बनाना या कोई ऐसा कार्य जो आपको खुशी दे सके वह करेगा। ओवरऑल आपका हफ्ता अच्छा है,
फिर भी उपाय आपको बताते हैं किस तरीके से इसे और भी बेहतर बनाना है। पूरे 7 दिन आपको नियमित तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान चालीसा करते समय हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने जो है चमेली के तेल का दीपक जलाएं। तो इस वीडियो में हमने जाना कैसा बीतेगा कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला 7 दिन। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हैं तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। आपके 24 फरवरी से 1 मार्च तक के जो है सप्ताह के बीच जो 7 दिन है इसका हमने लिखा जोखा आपको दे दिया है, बहुत सारी जानकारियां दी हैं, हर एंगल से आपको हमने बताया है किस तरीके से बीतेगा। शुक्र का गोचर है, चंद्रमा का गोचर है, उनका सम्मिलित प्रभाव क्या पड़ेगा आपकी राशि पर यह हमने आपको बताया है। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, इसे जरूर आप देखें, सुने, शेयर करें। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम यही कामना करते हैं कि आपका आने वाला सप्ताह बहुत अच्छा बीते। नमस्कार।